उधमपुर में बीच बाजार हुए धमाके में 1 की मौत और 14 घायल। विस्फोट से चारों ओर फैली सनसनी। मामले की जांच कर रही जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना। परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट पर भाजपा में विरोधाभास। नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाजपा में गए सुरजीत सिंह सलाथिया ने उठाई आवाज। विजयपुर की 4 पंचायतों को सांबा में जोड़ने का कर रहे हैं विरोध। जम्मू शहर में फिर गंदगी के ढेर लगने के उपजे आसार। सफाई कर्मचारियों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। मांगे पूरी ना होने पर 15 मार्च से शुरू करेंगे हड़ताल। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उधमपुर की एक दुखद खबर के साथ, क्योंकि जिस तरह से उधमपुर शहर के सलाथिया चौक में आज हुए एक संदिग्ध विस्फोट की चपेट में आने से 1 की मौत हो गई है जबकि 14 अन्य लोग घायल हो गए हैं। ये विस्फोटक सब्जी के रेड़ी के करीब हुआ और इसकी चपेट में आने से वहां मौजूद एक शख्स की जान चली गई। सभी घायलों को उधमपुर के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने 1 को मृत घोषित कर दिया और घायलों में से 1 की गंभीर हालत के चलते उसे जम्मू के जीएमसी अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस और सेना इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सर, अभी तक हमारे पास 15 केसेस पहुंचे हैं हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में इमरजेंसी विंग में, जिसमें एक को जो हमने थिएटर ले गए थे उसको इंट्यूबेट कर रहे थे बट वो सर्वाइव नहीं कर पाया, तो बाकी का ट्रीटमेंट चल रहा है। जो है पेशेंट काफी गंभीर सीरियस स्थिति में है, तो लगता है स्प्लेंडर इंजरी है क्योंकि स्प्लेंडर के दिख रहे हैं हमें हर जगह। तो विल सी जो बेस्ट हो सकता है, वी आर ट्राइंग टू सेव ह्यूमन बीइंग्स। तो वी आर एक हुई है, कितने लोग आए? 15 पेशेंट आए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मैं डीसी ऑफिस आ रहा था तो मुझे आवाज सुनाई दी, तो इमीडिएटली हम जो है यहाँ पे मौके पे आ गए और यहाँ पे जो वेजिटेबल की एक रेडी थी उसमें क्रेट्स थे और ऐसा लगता है कि जैसे क्रेट के अंदर ब्लास्ट हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन जो है इनिशियल स्टेज पे है, जो कुछ लोग इंजर्ड हैं उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी आगे हम बताएंगे आपको। कोई पता नहीं है। परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट को लेकर भाजपा में विरोधाभास शुरू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले सुरजीत सिंह सलाथिया ने परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट के खिलाफ आवाज उठाई है। सलाथिया ने विजयपुर हलके की 4 पंचायतों को सांबा में जोड़ने का विरोध करते हुए निर्वाचन आयोग व जम्मू कश्मीर के चुनाव विभाग से इन पंचायतों को विजयपुर के साथ ही रखने की अपील की है और सलाथिया ने कहा है कि वे स्वयं भी इस बाबत आयोग से बात करने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने बात रखी है कि शायद ये 4 पंचायतें जो हैं ये सांबा के साथ जोड़ी जा रही हैं। अभी तो पब्लिक डोमेन में ये रखा जाएगा, जिसके लिए हम आज आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और इलेक्शन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर को अपील करना चाहते हैं कि हमारा एरिया जो है इस एरिया को विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रखा जाए। ये लोगों के पास जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है उसके बिना उन्होंने कोई फैसला किया है कि ये गलती हो सकती है, उस गलती को ठीक करने के लिए उन्होंने एक टाइम लिमिट और दी है कि जिसके मुताबिक लोग अपना ऑब्जेक्शन दे सकें। उसके आपके ही माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूं कि हमें हमारे इलाके के 4 पंचायतों को लोगों को सख्त इतराज है, उसके लिए हम प्रॉपर फॉर्म जो होगा वहां पर बात करें। कुछ लोगों ने बात कैजुअल सफाई कर्मचारियों को नियमित करने और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर वेतन मुहैया करवाने सहित अन्य मांगों को लेकर जम्मू म्यूनिसिपल के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। निगम परिसर के बाहर आज धरना प्रदर्शन करते हुए इन सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर 15 मार्च तक उनकी मांगें पूरी न की गई तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। कि अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती हैं तो 15 तारीख को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक एक जो मुलाजम है
वो सड़कों पर उतरेगा। तो मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं जो हमारी डिमांडें हैं, जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन काफी पुरानी डिमांड है हमारी, 600 आदमी कैजुअल जो 7 साल कवर कर चुका है उनको परमानेंट करने की, 600 आदमी कैजुअल जिनके फॉर्म फिल हो चुके हैं तो उनको जल्द से जल्द लिस्ट लगाने की, साथ ही साथ यूटी की सैलरी जो कि 3 साल हो चुके हैं यूटी बनाए हुए लेकिन अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट में यूटी की जो सैलरी है वो गवर्नमेंट ने लागू नहीं की। तो मेरी ये विनती है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के आगे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसरों के आगे कि जल्द से जल्द जो यूटी की सैलरी है वो लागू की जाए। अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती हैं तो मजबूरन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक एक जो मुलाजम है वो सड़कों पर उतरेगा। तो कल को अगर शहर में गंदगी की वजह से कोई बीमारी फैलती है तो उसके जिम्मेवार जो होंगे गवर्नमेंट होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आज लगातार दूसरे दिन महिलाओं को उनके कानूनी व मौलिक अधिकारों की जानकारी दी गई। जम्मू के सखी सेंटर में आज आयोजित विमेन हेल्पलाइन 181 के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन कर इस दिवस की परंपरा निभाई गई और कुछ महिलाओं की मदद भी की गई। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सचिव यहाया फिरदौस इस मौके पर मुख्य अतिथि थे और इस दौरान महिलाओं को केंद्र सरकार की सामाजिक योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ उनसे इनका लाभ लेने का आह्वान भी किया गया। सखी सेंटर जम्मू में इस दिन का आयोजन किया, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे आईं जिनमें काफ़ी बुज़ुर्ग महिलाएं थी वो मौजूद थीं। हमने उनको अवगत करवाया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वुमेन्स इंटरनेशनल डे की, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेरियस स्कीम्स जो हैं, बहुत सारी स्कीमें इनके निस्बत हैं इनके लिए हैं, उनसे अवगत कराया। बस ये एक खुशी का दिन है और मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि औरत को हमेशा वो मकाम मिलना चाहिए जिसका वो डिज़र्व करती हैं, कि ऊपर वाले ने औरत को एक मखसूस खसूसी सिफत से भेजा है बनाया है, उस सिफत की कदर करें और इस औरत को वो मकाम दे दें जिसका जिसके लिए वो डिज़र्व करती है। मांगे पूरी ना होने पर दिव्यांगों ने भी अब धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले जम्मू में प्रदर्शन करते हुए आज दिव्यांगों ने आरोप लगाया कि उन्हें दी जा रही रहे मात्र 1,000 रूपये के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है, जिसके चलते वो कल यानी कि वीरवार से जम्मू के बख्शीनगर इलाके में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। सर कल से हम धरने पे बैठ रहे हैं बख्शीनगर पुली पे, क्योंकि हम बहुत दुखी हो चुके हैं, बहुत देर से हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं मगर अब हम लास्ट कदम पे आ गए हैं कि मर मराने पे आ गए हैं। हमारी जो बर्दाश्त की हद है वो अब खत्म हो चुकी है, इसलिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको वाइट दे रहे हैं, इसलिए कि कल से हम सरकार के खिलाफ पूरे जोर शोर से हम सरकार के खिलाफ चल रहे हैं। बड़ी छोटी सी मांग है हमारी कि एक पेंशन 1,000 रुपये मिल रही है, उसको पेंशन को थोड़ा बढ़ाओ बस। मैंने आज तक जिस पे जोर दिया वैसे मांगे बहुत हैं, अगर मानने को ये एक नहीं, ये छोटी सी मांग नहीं, एक हमारी मान रहे कि 1,000 रुपये में आज आपको पता दिल्ली में भी 5,000 रुपये हो गई पेंशन। हमारे जम्मू में हमें ये नहीं पता चला कि ये अभी स्टेट है कि यूटी है, क्योंकि पीछे मैं मैडम से अभी मिला हूँ सेक्रेटरी में, तो मैडम ने ये बोला कि हमारे यहाँ पे आपके लिए 300 रुपये आता है, 700 में अपने जेब से डाल के दे रही हूँ, सेंटर से 300 रुपया था। मैडम को ये नहीं पता था कि ये खुद भी सेंटर ही बन गया है, यहाँ पे हमें सिर्फ ऐसे घुमा फिरा के वहीं पे ले आते हैं दोबारा घुमा फिरा के। बस यही मांगे हम 4-5 साल से पीछे, और साल से तो हमने बहुत जोर पकड़ा हुआ इन मांगों में, फिर भी सरकार ने हमें बहुत आश्वासन दिया था कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। हमें मोदी साहब से ही बड़ी उम्मीद थी, लग रहा कि मोदी साहब भी हमारे लिए सिर्फ हमें दिव्यांग नाम ही दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर में रोजगार को लेकर आए दिन विभिन्न संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों का हवाला देते हुए जम्मू के युवा अब सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू में आज इन युवाओं ने आंखों पर पट्टियां बांधकर कानों में रुई डालकर प्रदर्शन करते हुए केंद्र व जम्मू कश्मीर सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान लगाए और इन युवाओं की क्या मांगे हैं आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। हम
हमारे जम्मू कश्मीर की जो हालात हैं, जो मुश्किलातें हैं, वो बहुत ही बढ़ चुकी हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी प्रदर्शन हमारे युवा, हमारे डेली वेजर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स या हमारे टीचर्स आए दिन किसी न किसी मोड़ पे वो करते रहते हैं। आप देख सकते हैं हमारे जम्मू कश्मीर की हालत 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद जो की गई है, जैसे कि हमारे मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू नहीं किया, उसके बाद हमारे यहाँ पे जॉब की जो थी युवाओं की अनएम्प्लॉयमेंट वो काफ़ी बढ़ चुकी है, यहाँ की जो स्टेटहुड है वो वापस जो है उन्होंने ख़त्म कर दी। हमें स्टेटहुड भी वापस चाहिए, हमें लोगों की यूथ की जॉब भी चाहिए, हमें यहाँ पे डेली वेजेस के मिनिमम वेजेस एक्ट भी चाहिए, और हमारे युवाओं के साथ जितना भी अत्याचार यहाँ पे हो रहा है, जितनी भी उनको मारे यहाँ पे खिलवाई जा रही है, वो बंद करें और उनके साथ जितना भी इंसाफ है वो पूरा करें, जहाँ पे उनको जॉब चाहिए वहाँ पे दें। और हमारे जम्मू कश्मीर में 80% जॉब रिजर्वेशन जो है वो हमारे यहाँ के लोकल लोगों को मिलनी चाहिए, जिसके चलते हमारी बेरोजगारी जो है वो कम होगी। बैसाखियों के सहारे चल रहे जम्मू कश्मीर हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुलाजिमों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कॉरपोरेशन में मौजूदा दौर में करीब 118 मुलाजिम सेवाएं दे रहे हैं, जिनका कहना है कि उन्हें कभी कभार ही वेतन मुहैया करवाया जाता है, जिससे उनका गुजारा मुश्किल हो रहा है। इन मुलाजिमों ने अब रह सहकर उनका बकाया वेतन मुहैया करवाने या फिर कॉरपोरेशन को बंद कर इसका विलय हैंडलूम डिपार्टमेंट में करने की गुहार लगाई है। कोई तनखा मिलती भी है, तीन चार महीने बाद एक तनखा मिलती है, तो वो सर पूरी तनखा सर साढ़ा सर बैंक आई जाता। क्यों? क्योंकि सर किसी ने सर अपने बच्चे की पढ़ाने वास्ते लोन लेते था, किसी ने सर अपने मतलब बेटी दे शादी वास्ते पैसे लेते थे, किसी ने बेटे दी शादी वास्ते, किसी का मां बीमार है, किसी का प्यो बीमार है, हर किसी बंदे ने किसी तरीके ने जिले मुलाजिम की तनखा नहीं थोड़ी तो उन्हें किसी ना किसी तरीके का अपने बे आउट से कटना, उन्हें पैसे उन्हें किसी ना कुछ लिया। जो साड़ी सर वो पांच तनखाइयां निकलियां, लेकिन उसके बाद भी सारा बे आउट कोई नहीं निकलिया, उसके बाद भी सर अगे सू चलो ये तो सू पता कि पिछली साड़ी कोविड की फाइल है, अगे तो सू कोई उम्मीद नहीं रही। असं ये दरखास्त चाहते हैं एल जी साहब कहने, अं ये गुहर लगाने चाहते हैं एल जी साहब की, अस ये गल आखना चाहते हैं कि जनाब जनाब सू साड़ी जी 12 महीने सर जी साड़ी पेंडिंग सैलरी है सानू और रिलीज की जा। दुए नंबर सानू अगर एक पब्लिक सैक्टर अगर तुसी नहीं चल सकता, अगर जनाब इसी नहीं अगर अप्रूव हो सकता, मतलब इंप्रूव नहीं कर सकता, अगर काम नहीं चलाई सकता, तो इसी सर डिपार्टमेंट की इसी कारपोरेशन की बंद करिए एक हैंडलूम डिपार्टमेंट विच मर्ज किया जा। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के कारण यूक्रेन में पढ़ने गए स्टूडेंट्स का वापस स्वदेश लौटने का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन गंगा चलाकर सरकार वहां पर फंसे छात्रों को निकालने का कार्य कर रही है, और इसी के तहत जम्मू की एक और छात्रा अपने घर वापस पहुंच गई है। जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 52 की रहने वाली छात्रा दीक्षा खन्ना के घर पहुंचने पर जहां परिवारजनों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं भाजपा नेता और पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता, अजय गुप्ता, भाजपा जिला प्रधान विनय गुप्ता सहित अन्य भाजपा सदस्य छात्रा से मिलने उनके घर पहुंचे और कुशल क्षेम उनका जाना। देखिए रशिया और यूक्रेन की युद्ध के कारण से बहुत से हमारे बच्चे पूरे हिंदुस्तान से वहां पर युद्ध के दौरान फंस गए थे। उसी दौरान हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने एक फैसला लिया था, सभी की लिस्ट हमें भेजी थी और उसकी जानकारी भी दी थी, खास करके जम्मू में 158 लोगों की लिस्ट थी, जिसमें मुझे अधिकांश घरों में जाने का मौका मिला। और जिस प्रकार से सरकार की वो सराहना कर रहे हैं बच्चे, एम्बेसी ने और भारत सरकार ने जिस प्रकार का इनिशिएटिव लिया है वो अपने आप में एक सराहनीय है। हम चाहते हैं कि ये बच्चों का भविष्य इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। युद्धकाल के दौरान इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, कहीं इनको कोई तकलीफ भी हुई होगी, लेकिन कुल मिलाकर के सरकार का जो इनिशिएटिव रहा वो सराहनीय है। मैं दीक्षा खन्ना, मैं अभी अभी यूक्रेन से लौटी हूँ, मैं फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ वहाँ पर। मेरे इवैक्यूएशन में एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी एंड मोदी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने हमारे लिए सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे से अरेंज करी थी पोलैंड बॉर्डर पे, एंड मतलब हम लोग ने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, जितने अच्छे से हमारे लिए खाना रहना सब कुछ अरेंज था, एंड फ्लाइट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग घर पहुँचे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं, एंड बस यही होप करूंगी कि वो हमारे फ्यूचर के लिए भी ऐसे ही ग्रेट प्लान्स बनाते रहे। जम्मू के पुराने जनरल बस स्टैंड में
पिछले करीब दो महीने से एक लावारिस बुजुर्ग लोगों के बीच चर्चा का विषय बना है। बस स्टैंड पर एक बेंच पर पड़े इस बुजुर्ग का नाम रमेश है, जो अपने आप को श्रीनगर निवासी कश्मीरी पंडित बता रहे हैं। इस हालत के बारे में पूछने पर इस बुजुर्ग ने किसी आश्रम का हवाला देते हुए कुछ लोगों पर उससे मारपीट कर वहां से निकाल बाहर करने का आरोप लगाया। ये बुजुर्ग अब चल फिर भी नहीं सकता और अभी तक न तो प्रशासन और न ही समाज सेवा का दम भरने वाली गैर सरकारी संस्थाएं इसकी सुध ले पाई हैं। और तो और बस स्टैंड पुलिस भी इस बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाई। नाम है चांद जी, बहुत घटना कामी है। वो मुझे बहुत तंग कर रहा, मारता था, बुरा बना कर रहा था, अंदर कमरे ऐसे ही तरह से बहुत तंग कर रखा था, मेरा बहुत मुश्किल से दे रहा था, लोगों को कह रहा था। मैं पालता पोसता हूँ, अंदर कमरे में मारता था, गाली गलौज देता था, मारता था लोगों को, मार को मतलब किसको पता है ये मुझे क्या करना था अंदर। मैंने देखा, मुझे थोड़ा ही महीने हो गए नहीं यहाँ पे, कल से पहले ही थोड़े चलते फिरते थे, तो भी कुछ जस्ट कोई एक डेढ़ महीना हुआ, चला मैंने उन्होंने बंद कर दिया। वो सिर्फ इन्हें चाय, जैसे कि आपको इन्होंने बोला कि मुझे चाय पीनी है, चाय उन्होंने फैन नहीं मिलता और वही खाते हैं ये, और इनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं हुई है, कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जब से यहाँ पे पड़े यहीं पे पड़े हैं। क्या बीमार है? बीमार नहीं थे पहले, ठीक थोड़े चलते फिरते थे, फिर आज कम से कम एक डेढ़ महीना हो गया, चलना फिरना बंद हो गया इनका। आज सुबह ये नीचे गिर गए थे, बड़ी मुश्किल से आगे पीछे हुए, जैसे जो भी इनको ब्लडिंग हुई थी तो देखा लोगों ने, फिर खुद ही ऊपर बैठे हुए सारा किसी उठाया नहीं था। तो फिर इन्होंने बोला कि यहाँ मुझे कल परसों ने बोला कि भाई पुलिस वालों को बोलो कि मुझे या तो हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए या कहीं जैसे मुझे पैसे मिले, बट कौन किसी सुनता है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ इनके लिए कुछ किया जाए, जितना हमसे होता तो हमें बोलिए, हम भी कुछ करने हैं। बाकी प्रशासन मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इनके लिए कुछ किया जाए। जम्मू के बीचों बीच स्थित जनरल बस स्टैंड देश की स्मार्ट सिटी की सूची पर शुमार इस शहर पर अब एक धब्बा साबित हो रहा है। मौजूदा समय में यह बस स्टैंड गिरने के कगार पर पहुंच चुका है और यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। समय बीतने के साथ साथ इस बस स्टैंड का रखरखाव ना होने से आज किस हालत में पहुंच चुका है, यह आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। इसे अनसेफ घोषित किए जाने के बावजूद प्रशासन लंबी ताने सोया है और इस बस स्टैंड में रोजाना आने जाने वाले लोगों और दुकानदारों की जानों पर मंडरा रहे खतरे से प्रशासन अभी तक वाकिफ नहीं हो पाया। बिल्डिंग अनसेफ क्यों है? ये बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग है, बिल्डिंग के पिलर बहुत मजबूत है, इसकी नींव बहुत स्ट्रांग है, इसको कम से कम एक बार रिपेयर करवाई जाए सही ढंग से, तो ये बिल्डिंग कम से कम आने वाले 20 साल तक ये मजबूत खड़ी रहेगी। ये नहीं है कि ये डिपार्टमेंट की ये नेग्लिजेंसी है, मास्क डालो, जेडीए डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी है, इनकी कमजोरी है, ये खाना पूर्ति करते हैं इसलिए जानबूझ के ये बिल्डिंग अनसेफ डिक्लेयर कर रहे हैं। मेरे को बात सुनो, जहाँ पे अभी तक आप कितनी बार जहाँ पे आते हो, कितनी बार देख वाइट लिए हमारे, कितनी बार आपने देखा है बिल्डिंग, अभी तक वाइट वॉशिंग नहीं करवाते हैं, छोटी सी रिपेयर नहीं तक नहीं करवाते हैं। ये बंच देखो, ये टूटे फूटे पड़े हैं, इनको नहीं रिपेयर करवाते हैं, ये डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी नहीं है और क्या है। इसलिए डिपार्टमेंट को चाहिए, मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ, इसकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए और जहाँ पे कम से कम इंक्वायरी हो और ये पता चले कि बिल्डिंग कैसी है, ये अनसेफ है या क्या है। बिल्डिंग बहुत मजबूत है, थोड़ी देर हो गए अनसेफ कर दी है, और हम जो चाहते हैं अगर इस बिल्डिंग का काम लगाना है इस ढंग से लगाया जाए कि किसी दुकानदार को भी परेशानी ना आए और कारोबार भी लोगों का चलता रहे और टूरिस्ट भी आता रहे और किसी को किसी चीज़ की परेशानी ना आनी चाहिए। जैसे वो जो नया बस स्टैंड बना था उसने इन्होंने हमारे दुकानदारों ने काफ़ी मुश्किलें झेली हैं, तो उस तरीके से हम जब गवर्नमेंट के आगे ये अपील करना चाहते हैं कि हमें इस काम में कोई मुश्किल कोई बाधा ना पड़े और सारे काम हमारे सही ढंग से होते रहे। और जेडी डिपार्टमेंट से हम ये अपील करना चाहेंगे दुकानदार को अपने हक में लेकर ये काम को करवाने की कोशिश करें और इस ओर का जो भी प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, हमें खुशी है कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं और स्मार्ट सिटी बनना भी चाहिए। स्मार्ट सिटी में हमारा जो बस स्टैंड भी स्मार्ट सिटी ही रहना चाहिए, ना कि अगर आप देखें ना तो जो भी बाहर से टूरिस्ट आता है तो जब वो बस स्टैंड की हालत देखता है इतनी बदबू है इतनी गंदगी है तो वो सोचता है कि अगर हमारे बस स्टैंड का ये हाल है तो जम्मू शहर का क्या हाल होगा।
शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू में आयोजित 5 दिवसीय कृषि मेला किसानों के लिए बेहद कारगर साबित हो रहा है। कृषि मेले में किसानों को जहां खेतीबाड़ी की आधुनिक तकनीकों से रूबरू करवाया जा रहा है, वहीं कई अन्य अहम जानकारियां भी दी जा रही हैं। कृषि मेले में किसानों की जरूरत की हर चीज दर्शाई गई है और पनीरी उगाने से लेकर खेत में मशीनों के इस्तेमाल की सब जानकारी मेले में उपलब्ध है। ये मेला शुक्रवार 11 मार्च को संपन्न होगा और अभी तक सैकड़ों किसान इसका लाभ उठा चुके हैं। इस बार जो कुछ नई चीजें हैं जो कि हमने किसानों को इन्वॉल्व किया है, जैसे कि एनजीओस बना के उनसे हमने टर्मेरिक लगा के स्पाइसेस के ऊपर कल्टीवेशन करवा के और उनको सेल काउंटर दिलाया, जिसके के वो डायरेक्टली फार्मर जो अपनी पैदा करके हल्दी और अपनी खुद मार्केटिंग करें। तो एक प्रयास ये भी है कि अपने किसानों को एंटरप्रेन्योर बनाने का एक प्रयास है। और दूसरा, हमने जो अपने किसान भाई हैं जिन्होंने अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उनको एक जम्मू खेती के ब्रांड जो कि एक डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर ने बनाया है, वो भी हमने मुहैया करवाया और जम्मू खेती के नाम से वो अपनी प्रोड्यूस यहाँ पे बेच रहे हैं, जैसे कि हल्दी, मिर्ची और ये स्पाइसेस, देन हनी, इसके बाद डिफरेंट तरह के अचार हैं, मशरूम अचार है। तो वो सारा जो हमारा किसान भाई है जम्मू खेती के ब्रांड के नाम से यहाँ बेच रहा है और उसको पॉपुलर कर रहा है। ये पहले साल में एक बार ही होता था, लेकिन इन्होंने साल में 2 बार स्टार्ट किया और वो भी 5 दिन के लिए। इससे किसानों को काफी फायदा होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए कितनी वैरायटीज है प्लांट्स की, जो किसानों को नहीं पता थी। यहाँ पे आप खाद देखिए, खाद में भी बहुत वैरायटी है, जिससे इनकी फसलों को काफी फायदा होता है। ये 5 दिन का मेला है, मंडे टू फ्राइडे, तो किसानों के लिए बहुत सारी वैरायटीज है यहाँ पे, जो कि इनिशिएटिव हमारे वाइस चांसलर सर ने ली है। तो बहुत सारी फायदे की चीजें है किसानों के लिए। सरकार की ओर से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि जनता को सुविधा मिल सके। कुछ सड़क मार्ग ऐसे भी हैं जिनका निर्माण हुआ तो काफी समय हो गया है, लेकिन उस पर लोगों का चलना फिरना मुश्किल है। जम्मू से सटे मड ब्लॉक से लेकर झिड़ी तक रोड की खस्ता हालत होने से स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी हो रही है। रोड की खस्ता हालत को लेकर लोगों ने जनप्रतिनिधियों पर भी जमकर हमला बोला और स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द रोड में सुधार करने की अपील की। मैं आपको बता दूं, इस मड ब्लॉक का आज तक यहाँ पे 2 टेन्योर हमारे यहाँ पे एमएलए और मिनिस्टर जो रहे हैं वो कहते हैं हमने बहुत काम करवाया है, लेकिन आपने आज इस रोड की जो हालत देखी है, इस रोड के ऊपर चलना, गाड़ी तो क्या बंदा पैदल भी नहीं चल सकता है। मैं चाहता हूँ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, लोग इतना टैक्स दे रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, वो पैसा जा कहाँ रहा है इन रोड्स पे? मैं कहता हूँ अगर कोई काम करना चाहे, कोई काम दिखाए, तो क्या है ये? कुछ नहीं है। गवर्नमेंट से मैं अपील कर रहा हूँ, ये रोड को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। जितने भी रास्ते हैं, गाड़ियां हैं, उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई आराम से गुजर नहीं सकता है। कोई कहने का इनका कोई काम दिखाई नहीं दे रहा गवर्नमेंट का। मैं कहता हूँ कि ये रोड जल्दी से जल्दी बने, लोगों की दिक्कतें, मुश्किलें जो हैं उनका कोई हल हो। अदरवाइज ये लोग जो हैं जब कहीं परेशान होकर अपने अपनी आगे ना उस पर, तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा देंगे। लोगों में इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है, लोग अभी भी सब्र करके बैठे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो इनका संज्ञान नहीं ले रही। मेरी यही अपील है आपके चैनल के माध्यम से, और मैं जनता को भी बोलना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपके इलाके की तरक्की हो, तो इन लोगों को दोबारा मत आने देना, वरना ये आपका अगला पिछला जो आपने कमाया हुआ है ना, ये सारा छीन के ले जाएंगे। धन्यवाद। रोड की हालत इतनी खस्ता है कि चलना बहुत मुश्किल हो रहा है इधर, और मड तो लिया झिड़ी तक ऐसा ही रोड है, पूरे खड्डे खड्डे पड़े हैं, कोई इधर पता नहीं लगता रोड का, कोई तौर नहीं कुछ नहीं। जब बारिश होती है तो कितने खस्ता, बारिश होती है तो पूरा पानी हो जाता है, पूरा चिक्कड़ हो जाता है, लोगों को चलने में बहुत समस्या होती है, गाड़ियाँ पैदल चलने वाले को बहुत मुश्किल है, इतना रोड खराब है। तो लोगों के लिए जब मुश्किल बन रही है, तो सरकार तक क्या मैसेज रहेगा आपका और क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो सरकार को यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी रोड ही बनना चाहिए, सारे रोड बन गए, सिर्फ यही एक रोड है जो नहीं इलाके बने, बाकी सारे रोड बने गए। तो जो लगभग पास में जो घर हैं जहाँ दुकानें हैं, उनके लिए कितनी परेशानी है? उनके लिए तो परेशानी बहुत है सर, पूरी मिट्टी उड़ती है, सब कुछ गर्दा मिट्टी सब जड़ा है,
परेशानी तो है ही सारी। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।